सबा जो भी ज़िंदगी में करे उसको तरक्की मिलती रहे, आप सबका प्यार, आप सबका साथ उसके साथ ऐसा बना रहे। और आप सबको फिर से दिल से शुक्रिया, और हम सबको इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार करने के लिए हमेशा से, जब से और स्पेशली हमारी जब से यूट्यूब की जर्नी शुरू हुई है, आप सबने इतना प्यार दिया और आज तक देते हुए आ रहे हैं। एंड इनफैक्ट कल भी मैं ये, हाँ मैं ये एक चीज़ ज़रूर मैंशन करना चाहूँगी, ये मैं अपने ब्लॉग में भी बोलूँगी कि क्योंकि मैं रूहान को लेकर जल्दी निकल रही थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो यू नो वो मैं बिल्कुल भी रुक नहीं पाई। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कई लेडीज ने समझा क्योंकि मैं बोल रही थी और उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और उन्होंने सिर्फ आके मुझे हाई किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड जेन्युइनली दिल से सॉरी कि मैं वहाँ नहीं रुक पाई और मैं हर एक को फोटो नहीं दे पाई, जितने वक्त मैं वहाँ थी, जितने मैं फोटोग्राफ्स कर पाई, मैं दे पाई उनसे मैंने दिया है डेफिनेटली। बाकी जिनको नहीं मिला उनको जेन्युइनली सॉरी, यू नो व्हेन यू, जब वो रोने लगा तो उसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए रश आउट होना पड़ा। यस, तो एट लास्ट फिर से आप सबको थैंक यू, और अल्लाह आप सबको खुश रखे, मैं हमेशा ही बोलता हूँ, इससे मैं क्या ही कर सकता हूँ, कोशिश करता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दीपिका शोएब के सबा के बारे में बात कर रहे हैं। आप सबको पता है कुछ दिन पहले सबा का रेस्टोरेंट का ओपनिंग हो चुका है और अभी जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट चल रहा है और सबा भी बहुत खुश है। और इसके पीछे सबा के सब्सक्राइबर का हाथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है सबा सनी के सब्सक्राइबर्स फ़ैन वहाँ पर पहुँच रहे हैं खाना खाने के लिए, स्पेशली उन लोगों के साथ मुलाकात करने के लिए। और उन लोगों को सबा सनी मिल भी रहा है, वहाँ पर सबा का नहीं मिल रहा है तो सनी तो हर वक्त रेस्टोरेंट में रह रहा है अभी, तो सब लोग फ़ैन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। और यहाँ पर शोएब भी सबको थैंक यू बोल रहे हैं इतने सपोर्ट करने के लिए उन लोगों का, और आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबा के साथ हर वक्त रहना। आप लोग दुआ करो इब्राहिम फैमिली के लिए और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करते